दिखाएंगे आपको नया टॉपिक हाई कोर्ट से रिलेटेड। ये दिल्ली के हम ज्यादातर इसलिए फाइल करते हैं, दिल्ली के लिए ज्यादा फाइल दिखाते हैं क्योंकि हम दिल्ली का बेसिक ज्यादा काम हम संभालते हैं। वैसे हम अलाहाबाद हाई कोर्ट का भी संभालते हैं काम, इवन हम अपना जबरन हो गया ना हाई कोर्ट का भी संभालते हैं, न्यू दिल्ली का भी संभालते हैं और वैसे तो ऑल ओवर इंडिया का संभालते हैं हाई कोर्ट का काम जो भी रिट से रिलेटेड होता है। तो आपको यदि हमसे केस फाइल करवाना हो या केस से रिलेटेड कोई लीगल एडवाइस चाहिए हो या कोई लीगल ड्राफ्ट करवाना तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो और सभी को हाई, मैं भूल गई हूँ शायद हाई करना। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और ये क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना पूछ लीजिएगा मुझसे जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी हो, ठीक है, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड या कोई भी अदर क्वेश्चन। इसके अलावा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा क्योंकि हम इतनी गर्मी में बैठ के ये ऊपर वाले रूम में भी जो बनाते हैं वीडियो जिसमें हमारा पंखा कूलर कुछ भी नहीं चल पाता, जिसमें मैं अपने हार्ड वर्क करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर बनता है, तो जरूर करिएगा। अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जो पिटीशन है यदि इसमें होता, यदि होती इलाहाबाद की तो यहाँ इलाहाबाद आ जाता, ठीक है, और यहाँ भी बदल जाता यहाँ पे फैलेगा, और यदि होती है पंजाब हरियाणा हरियाणा क्योंकि तो यहाँ होता पंजाब हरियाणा हरियाणा हाई कोर्ट और यहाँ चंडीगढ़ होता। तो इस तरीके से ज्यूरिडिक्शन जहाँ पे भी आप केस फाइल करो तो आपकी ज्यूरिडिक्शन बदलती जाती है और रिस्पोंडेंट जहाँ का होता है वहाँ पे केस फाइल करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे आपका जिसके अगेंस्ट आपका विवाद है, ठीक है। अब ये रिट पिटीशन जैसे सीवी है और जिस भी ईयर में आप फाइल करोगे वो ईयर आपको यहाँ मैंशन करना है, जैसे 2023 या 2024-25 जो भी है वो मैंशन करना है। इन द मैटर जैसे इसमें मैटर पिटिशनर इज नो जहाँ है वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड ओआरएस रिस्पोंडेंट ये है। आपको पेज नंबरिंग जरूर करनी है, पेज नंबरिंग के बिना आपके एप्लीकेशन में कोई फायदा नहीं है, पेज नंबरिंग जरूर करिएगा। अब पर्टिकुलर नोटिस ऑफ मोशन जैसे इसमें है, ठीक है, नोटिस ऑफ मोशन आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, अर्जेंट एप्लीकेशन भी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, नोटिस ऑफ मोशन अर्जेंट एप्लीकेशन होगी, मेमो ऑफ पार्टी बनानी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ डेट एंड इवेंट इसमें क्या होता है कब कहाँ कैसे क्या हुआ, ठीक है, ये चीज होती है। मेमो ऑफ पार्टी में जो विवाद जिन जिनके बीच में हो की एड्रेस वगैरह, ईमेल आई डी, फोन नंबर सब कुछ इसमें लिखा होता है। अर्जेंट एप्लीकेशन आप देख लीजिएगा नोटिस ऑफ मोशन भी, ठीक है। सिविल रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ये मतलब 26 आर्टिकल 226 आर्टिकल के अनुसार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलोंग विद एफिडेविट, एफिडेविट जरूरी है किसी भी केस फाइल में। एप्लीकेशन जिसमें लगाई अंडर सेक्शन 151 सीआरपीसी फॉर एड इंटरिम डायरेक्शन टू रिस्पोंडेंट नंबर 1 अलोंग विद एफिडेविट, ठीक है, तो इस तरीका होता है आपको। अनेक्सर आपको कॉलेज जिसमें हमने तीन मतलब अनेक्सर वो लगाए हैं, कॉपी टाइटल सेल के डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफिंग शोइंग द इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन या कंप्लेंट की कॉपी, इस तरीके जो जो आप लगाते जाओगे आपको सारी की पेज नंबरिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका कल कोई भी दस्तावेज कोई भी डॉक्यूमेंट गुम ना हो। सर्टिफिकेट एंड कोर्ट फी आप लगा दीजिएगा, वकालतनामा भी आप लगा दीजिएगा, फाइल बाय यदि आपके खुद के द्वारा तो खुद कर दीजिएगा, यदि कोई एडवोकेट है तो उसका लिख दीजिएगा। न्यू दिल्ली यहाँ डेट वगैरह आपको जरूरी है, मतलब ये आपको लिखना जरूरी है कि कहाँ फाइल हुआ और किस डेट हुआ। इसके अलावा आप जब हम बात करते हैं नोटिस ऑफ मोशन की, जो ये ऊपर की लाइन है जैसे कि आप देख रहे हो सेम रहेंगे, नोटिस ऑफ मोशन थोड़ा सा इसमें आपको क्या लिखना है, सर मैडम जो भी लिखिएगा, काइंडली टेक नोटिस, भाई काइंडली टेक नोटिस में लिया जाए कि अकंपनिंग रिट पिटीशन जो है जो कि फाइल हुआ है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन मूव कर दी गई है इन द अबव नोटेड मैटर में, द सेम इज लाइकली टू बी लिस्टेड जो कि लिस्टेड होगा ऑन ये कोडोगा में लिखती है, हम तो सिर्फ ये लिखते हैं कि मंथ और ईयर, ठीक है, और सुन देर आफ्टर, तो इसमें रिट पिटीशन से रिलेटेड जो भी है इसमें नोटिस भिजवाया जाता है, बाय कोर्ट ही भिजवाया जाता है, तो ये भी अगर हम भी भिजवाते हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब ये अलग बात कर रहा है। जो इसमें देखिए जो भी है ये आप देख रहे हैं कि ये सेम रहेगा, अर्जेंट एप्लीकेशन में क्या होता है किसको हम ये भेज रहे हैं, जैसे कि हाई कोर्ट में जाएगा दिल्ली में ये उसके लिए एप्लीकेशन कि भाई जो ये काइंडली ये जो ट्रीट की जाए भाई अर्जेंट में ये की जाए, ठीक है, और एज पर हाई कोर्ट के रूल के अनुसार द ग्राउंड ऑफ एमरजेंसी इज अंडर डायरेक्शन आर प्रेड फॉर यूथल जो भी है, ठीक है, इसमें भी आप अपना जो स्टेट वगैरह डेट वगैरह लिखिएगा और मेमो पार्टी में जैसे पूरा डिटेल लिखना पड़ता है पिटिशनर का और वर्सेस जो भी हैं जो भी वर्सेस पार्टी बनी है उनकी पूरी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, कमिश्नर है जैसे इसमें, ठीक है, दूसरा बंदा ये है, ठीक है। अब इसमें इसकी पूरी डिटेल डाल दी, रिस्पोंडेंट की फाइल बाय किसके द्वारा और कब कौन सा स्टेट और कौन सी डेट है वो मेंशन करनी पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ऊपर का ये डेट तो सेम ही रहता है जगह, अब लिस्ट ऑफ डेट इवेंट में कब क्या क्या हुआ, मतलब आपका विवाद कैसे चला और ठीक है, तो आपको जैसे ये प्रॉपर्टी रिलेटेड जैसे विवाद था तो उसमें ये था कि भाई ये भी एनक्रोचिंग कर रहे हैं, ग्रैबिंग कर रहे हैं रिस्पोंडेंट द्वारा, मतलब इसमें क्या किया जा रहा है ट्रेसपास द्वारा, मतलब इस तरीके से कुछ किया जा रहा है, मतलब घुसपैठ कह लो आप या कह लो भी टपके आ गया, मतलब जबरदस्त कब्जा बांट रहे, ठीक है,
तो इस तरीके से इसमें ये हो रहा है, अनऑथराइज तरीके से काम कर रहे हैं, ट्रेसपासिंग कर रहे हैं। तो जो पेटिशनर है उसने क्लोज की कंप्लेन विद रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 3 जो भी 3 है, बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट अभी तक, तो इसलिए रिट फाइल की गई है। तो इसमें डेट वगैरह मेंशन करनी है, तो कब कहाँ कैसे हुआ, ये होता है लिफ्टेड इवेंट का काम। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी देखो डिटेल सेम ही है ताकि आपको याद रहे कि कैसे केस फाइल करना है। अब जैसे देखिए रिट पिटीशन इसमें 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इशुएंस ऑफ रिट ऑफ एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ रिट ऑफ मैंडमस, ये मैंडमस की जैसे रिट है, देयर बाय डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 3 टू इमीडिएटली स्टॉप विच जो भी स्टॉप के एंड डिमोलिश करे जो भी इलीगल और अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है बीइंग कैरिड आउट बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा किया जा रहा है, टू टेक जो भी नेसेसरी एक्शन लिया जाए इन अकॉर्डेंस विद दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के साथ, ठीक है, टू प्रिवेंट फर्दर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से बचने के लिए बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2। ठीक है, तो ये देखिए लिखी गई है जैसे टू द चीफ जस्टिस एंड हिज कंपेनी जस्टिस ऑफ जो भी है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड न्यू दिल्ली को, द हम्बल पिटीशनर इन अबव मेंशन पे पिटीशन। ठीक है, तो जो पिटीशन पिटीशनर है प्रेफर करता है कि जो पिटीशन वही जो फाइल की गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा, देयर बाय सीकिंग एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1 एफडीएमसी जो भी 2 एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड टू प्रिवेंट द ब्लंट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा की जा रही है, प्रॉपर्टी का जैसे इसमें नाम लिख दिया गया है कहाँ की है वो और कितने स्क्वेयर फिट की है, और लेंथ जो मेजरिंग है वो 600 गज है, ठीक है, 600 स्क्वेयर यार्ड मतलब 600 गज। रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैज एनक्रोच मतलब उसने एनक्रोच किया अपॉन द सेट प्रॉपर्टी मेजरिंग जो कि 46 स्क्वेयर यार्ड की है प्रॉपर्टी ऑफ द पिटिशनर की, 600 गज में से जो 46 जो गज के उसमें इसने एनक्रोच करना चाहा और स्टार्ट इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे बनाना कोशिश किया। तो इसे दुखी होकर जो पिटिशनर है उसने क्या किया, वो भी एक मतलब लायबिलिटी जो सिटीजन है और उसके भी एक राइट है अपने जमीन को लेके, और मतलब उसमें जमीन का मेंशन किया गया, फिर विच मतलब आपको अपनी पूरी कहानी इसमें लिखनी है, ये वो जो भी है लिख के फिर आपको क्या करना है कि भाई जैसे मैं ये जो भी आप दस्तावेज लगाओगे डॉक्यूमेंट लगाओगे इसका आपको वो करना है, ठीक है, नंबरिंग करनी है। और डेट आफ्टर द लॉजिंग कंप्लेंट जो कि लॉजिंग करी कंप्लेंट पिटिशनर ने पहुंचा रिस्पोंडेंट नंबर 1 के ऑफिस में, मैंने टाइम बहुत बार पहुंचा और रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो भाई हम लीगल एक्शन लेंगे आपके खिलाफ आज भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हो लेकिन सब कुछ बेकार गया बट ऑल इन वेन। ठीक है, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैज ऑलरेडी ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ द पिटिशनर, द पिटिशनर इज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इलीगल रिकोर्स ऑफ द पोजेशन एंड अदर रिलीफ एज मे बी अवेलेबल टू हिम अंडर द लो टू सिक्योर हिज प्रॉपर्टी। डेट इन द अफोरसेड सर्कमस्टांसिस में इट इज रिट लार्ज, ये लार्ज की गई लार्ज दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, वो अपना ड्यूटी को परफॉर्म करने से फेल हो गया एंड ऑब्लिगेशन को disturbed upon its DMC जो भी है। Rather, respondent number 1 and 3 have failed to discharge their duty and obligation in stopping the Minhas unauthorized construction as narrated at the hearing above. Therefore, the petitioner has no remedy. मतलब जो भी है respondent number 1 और 3 जो भी have failed, वो फेल हो गए तो अपने आप को डिस्चार्ज करने में, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में, ऑब्लिगेशन को, और जो ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उसको बनाने में मतलब बनाते रहे उन्होंने कोई बात नहीं मानी पिटिशनर की। तो जो पिटिशनर उसके पास कोई मतलब अब अल्टरनेटिव ऑप्शन रेमेडी बची नहीं गया तो उसने क्या कर रहा है ऑनरेबल कोर्ट को उसको प्रोजेक्ट करना मजबूरी है। दैट द इनकेश इन एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1-3 टू प्रिवेंट अनऑथराइज एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन टेंट अमाउंट टू dereliction of duty on the part of respondent number 1 and 3 respondent is filing the present petition on respondent of following ground. So, इसमें ground क्या है कि जो respondent number 1, 2 है वो unauthorized construction कर रहा है और बार बार मतलब danger to the life and security of the petitioner, तो इसमें मतलब उसकी जो बार बार ये construction कर रहा है इससे मतलब और ये जो trespassing कर रहा है इससे danger और petitioner की जो life को खतरा है, और जो बिकॉज द पिटिशनर हैज लॉज और कंप्लेन, लॉज कंप्लेन की गई थी लिखी थी नंबर 1 और 3 के लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया रिस्पोंडेंट 2 के खिलाफ, तो ये जो भी पिटिशनर हैज लॉज और कंप्लेन रिलेटेड जो भी डेटेड इसको की थी विद द रिस्पोंडेंट नंबर 2-1 एंड कॉपी टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3, बट डिस्पाइट रिसीविंग ऑफ द सेट कंप्लेन और द पिटिशनर नो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया रिस्पोंडेंट 1 और 3 द्वारा, बिकॉज द रिस्पोंडेंट नंबर 1-3 हैज फेल्ड ओवर टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी इन स्टॉपिंग इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एज स्टेटेड अबव, देयरफॉर जो पिटिशनर है उसके पास कोई रेमेडी नहीं बची और वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करने के लिए मजबूर हो गया। ये लाइन जो है इसमें ये लिखा गया कि यदि इसलिए कोई भी केस कहीं पे फाइल नहीं हुआ इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या कहीं पे भी ऑनरेबल कोर्ट में कोई फाइल नहीं हुआ और ये मुस्पत लेता है।
ठीक है, तो स्पष्ट इसमें नहीं है, स्पष्ट नीचे आएगा, बट उसने ये बात स्टेटमेंट दे दिया है। इसमें प्रेम में वो क्या मांगता है, एक तो ये जो दिल्ली म्यूनसिपल एक्ट के अनुसार इसको स्टॉप किया जा रहा है, जो भी मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा पाया जा रहा है या जो भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसको स्टॉप किया जाए, जो भी आपकी प्रेयर आप वो लिखिएगा और फिर अपने यहाँ पे नीचे कर दीजिए पेटिशन लिख के, और यहाँ पे भी केस फाइल वगैरह उसका डेट वगैरह स्थान लिख दीजिए, थ्रू जो आप खुद कर रहे थे एडवोकेट कर दीजिए वो कर दीजिए। और एक एफिडेविट देना होता है, एफिडेविट में यही है कि जो आपको क्लाइंट है सेम रहती है, एफिडेविट में बस अपना जो भी केस फाइल करा वो अपनी डिटेल देगा, और ये लिखेगा जो भी रिट पिटीशन है मैंने एज वेल कन्वर्सेंट विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, जो केस के सभी फैक्ट्स में लिख दिए गए हैं, और मैं इसलिए करता हूँ कि इंस्टेंट जो एफिडेविट है ठीक है, तो उसकी एफिडेविट की रिस्पॉन्स लेता हूँ, जो कंटेंट है अकंपनिंग रिट पिटीशन अंडर जो कि फाइल की गई है 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन ड्राफ्टेड बाय माय काउंसिल एज पर माय इंस्ट्रक्शन एंड द फैक्ट एंड कंटेंट्स ऑफ द रिट पिटीशन हैव बीन मेरे द्वारा पढ़ लिए गए हैं, एक्सप्लेन कर दिए गए हैं मुझे, और मैं से सहमत हूँ, और जो भी लिस्टेड इवेंट है जो भी इसके मतलब पेज नंबर इतने से इतने तक वो भी मेरे नॉलेज में है ठीक है, और जो भी फैक्चुअल आर्गुमेंट है जो भी मेड इन पैर नंबर 2 से लेकर जो 14 नंबर तक है वो जो भी रिट पिटीशन में है, सब कुछ जो भी इसका ग्राउंड है सब कुछ 2 है मेरे नॉलेज के अनुसार है, और जो लीगल अवर्मेंट बनाई गई है मतलब रिट पिटीशन में वो सब कुछ सही है। रेट द कंटेंट ऑफ कंपनी रिट पिटीशन में भी रीड की गई है एंड पार्सल ऑफ द एफिडेविट इज सेम हैव नॉट रिप्रोड्यूस, भाई रिप्रोड्यूस नहीं की गई फॉर द शेक ऑफ ब्रेविटी। तो इस तरीके से जहाँ भी डिपोनेंट लिखा होगा आपको साइन करना है, हर एक वेरिफिकेशन देना होता है, जिसमें आपको अपना स्थान लिखना था, डेट लिखना था, और एफिडेविट में लिखा था कि जो भी सब कुछ है ये मेरे द्वारा पढ़ लिया गया है, इसमें कुछ भी कंसील नहीं किया गया। और फिर आपको जैसे इसमें एक एप्लीकेशन और लगाई जा रही है हाई कोर्ट में ठीक है, वो अंडर सेक्शन 151 सीआरपीसी के अनुसार है, ऑन द बिहाफ ऑफ पिटीशनर के अनुसार, जो भी एड इंटरिम डायरेक्शन मांगता है वो कि भाई क्या मांगता है 151 में कि भाई ये मैं इस बार सब कुछ पढ़ लिया गया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और जो भी रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो मतलब गलत तरीके से मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा पा रहा है, उसको हत्या की कोशिश कर रहा है, और जो पिटिशनर है इस एक्ट इन एक्सपेंडियस स्पेस टू एज टू कॉम्पिटेंट द सेम एडिसन एंड फर्दर क्रिएट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन बाय लरिंग द इनोसेंट थर्ड पार्टी कस्टमर, मतलब किसी और को बेचने की कोशिश भी कर रहा है, तो जो भी बेकसूर जो कस्टमर हैं वो भी इसमें सताए जा रहे हैं, और इन जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो सक्सेस हो गया है इस इविल मतलब इंटेंशन में इन पैरेबल लॉस में इंजरी बाउट टू वही जो कि पेटिशनर को दी गई है भाई, इंजरी वगैरह जो भी फाइनेंशियल या मेंटल जो भी फिजिकल है ठीक है, वो उसमें सक्सेस भी हो चुका है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड प्राइम फेसी ठीक है, पेटिशनर के हक में मतलब अगेंस्ट रिस्पोंडेंट के उसको कुछ मतलब कन्वीनियंस और प्राइम फेसी केस में ही सुना जाए और उसको रिलीफ दिलाया जाए। प्रेम में आपको अपनी रिलीफ करनी होती है, क्या क्या आप मांग रहे हो ठीक है भाई, जैसे कि इसको कंस्ट्रक्शन बंद करवा दिया जाए, इस प्रॉपर्टी स्टॉप मतलब वो लग जाए स्टॉप लग जाए, या वो इस पर कब्जा ना पाए पाए, और पेटिशनर को अपना सिग्नेचर करके जो भी रेजोल्यूशन बनते हैं आपका और डेट वगैरह लिख के अपना साइन कर देना होता है ठीक है। फिर अपना जो भी आपने 151 की जो एप्लीकेशन लगाई है वो उसके लिए भी एफिडेविट चेक देना पड़ता है जैसे पहले दिया गया था ठीक है, बस में जो मैंशन होगा वो सेक्शन होगा 151 CRPC ठीक है। इस तरीके से केस ड्राफ्ट होता है, फिर जो इसमें है फिर इसमें जैसे कि इसमें एक और एप्लीकेशन लगाई गई है फॉर मतलब फ्रॉम फाइलिंग टू टाइप्ड कॉपी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मतलब थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन का जो चक्कर है उसके लिए भी थोड़ी सी एक एप्लीकेशन लगाई गई है और उसका भी एफिडेविट लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो भी दस्तावेज होंगे उनके आप पेज नंबरिंग करेंगे, उसका एनेक्सर करेंगे और उसको इंडेक्स में लगा देंगे, तो इस तरीके से केस फाइलिंग होता है। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो मैंने आपको काफ़ी सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है काफ़ी अच्छे तरीके से, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी तो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ लीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि इतना जो हमने आपके लिए हार्डवर्क किया है वो व्यर्थ ना जाए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।